So, here one will start studying with Pranav Raj और अभी time हो रहा 5:10 ठीक है और आज का date of course है हमारा 18 और ये video शायद मैं बहुत दो तीन दिन बाद upload करूँ because ये थोड़ा लंबा video बनने वाला है so sorry मुझे खांसी है कफ मतलब और मैं exercise 12 का first part था जिसमें मैंने आप लोग कहा था example number 8, 9, 10, 11, 12 ये चार आप लोगों को पढ़ के आना और यही चारों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ और एट द एंड या फिर बीच में कभी वीडियो में बता दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या डालूंगा मैथ्स पे सो बिना किसी देर के लिख शुरू कर सो आज डे टू और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 2:37 ओके और आज 19 है ठीक है आज 19 तारीख हम लोग का ओके और जैसे कि मैंने कल यहाँ पे मैंने कल मैं पूरा शूट नहीं कर रहा था इंट्रो के अलावा और पता नहीं मेरा ब्लर क्यों आ रहा है अच्छा आई थिंक इट्स क्लियर नाउ ओके इट विल बी क्लियर नाउ ओके इट्स क्लियर ओके या इट्स क्लियर नाउ सी तो मैंने कहा था एग्जांपल नंबर 8, 9, 10, 11, 12 तो हम लोग क्यों ना स्टार्ट करते हुए 12 से ही ठीक है जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि इसमें आप लोगों को टू पार्ट्स डिवाइड करना जाएगा थ्री पार्ट डिवाइड करना जाएगा आपको कोई एक पार्ट मिसिंग रहेगा सो यहाँ पे हो चुका है सो यहाँ पे अगर डिवाइड 1200 इनटू टू पार्ट्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट फॉर टू ईयर्स एट 6% एनम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट फॉर थ्री ईयर्स एट 8% एनम ये हमारा क्वेश्चन है ठीक है ये आंसर है क्योंकि हम लोग अभी इसको विदाउट पहले इनविजिबल रखते हैं ये क्वेश्चन है ये एक प्रोसेस आप लोगों ने जो मेथड देखा होगा बुक में जो कि एक और मेथड है मेरे पास जो कि मैं आप लोगों को अभी प्रेजेंट करने वाला अपने वीडियो में सो ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने इस आंसर पे देखा क्यों ना मैं आप लोग को ये वाला 3600 और एक 3000 मैं आप लोगों को 24 नंबर बताऊंगा ठीक है 25 नंबर आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा नहीं बने तो ऑफकोर्स कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ डाउट हो रहा है हम लोग को नहीं बन पा रहा है आप एक बार फिर से सॉल्व कीजिए सो मैं कर दूंगा पर फिलहाल हम लोग 24 करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है सो अपना कॉपी खोल लेते हैं मैं आप लोग बताने वाला इसको हम जस्ट असाइड कर लेते हैं ये हमारा कॉपी है हमारा पेन आ गया ठीक है ओके ये सबसे पहले हम क्या करेंगे 3000 लिख लेंगे एक बुक ये बुक वाला पार्ट ही है अलग मैं अपने से आप लोग बता रहा हूँ ये भी प्रोसेस सही अच्छा है लोग ईजी लगे शायद इसको हम जैसे यहाँ पे दो भाग में से कर लेंगे सॉरी यहाँ पे लाइन पीड़ा हो गया सॉरी तो फर्स्ट पार्ट ठीक है फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख लेंगे मेंशन कर लेंगे सेकेंड पार्ट ठीक है प्रिंसिपल एक्स मान लेते हैं लेट ओके सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन रीड नहीं किया क्वेश्चन रीड नहीं किया पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं सो क्वेश्चन है हमारा डिवाइड 3000 इंटू टू इक्वल पार्ट सच डैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर फोर ईयर्स एट 8% पर एनम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर टू ईयर्स एट 9% एनम ठीक है यहाँ पे सब दिया हुआ है रेट परसेंटेज ऐसा ही नहीं दिया हुआ बस हम लोग ठीक है और क्या नहीं दिया हुआ लेट फाइंड आउट टू पार्ट एट सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही नहीं दिया हुआ है सो प्रिंसिपल तो हम लोग एक्स मान लेंगे अब ये जब एक्स है तो जैसे कि अगर आप लोग पास 10 रुपीज़ है ओके और इसमें से मैंने 2 रुपीज़ किसी को दे दिया तो हम लोग क्या होगा सेकेंड ये फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकेंड पार्ट हम लोग 10-2 होगा तो वैसे यहाँ पे भी सेकेंड पार्ट का प्रिंसिपल होगा 3000 - 6 ओके टाइम हम लोग का 4 ईयर्स होगा टाइम यहाँ पे 2 ईयर्स होगा ठीक है रेट 8% एनम होगा इसमें रेट 9% एनम होगा जैसे 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 हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ वैसा वैसा हम लोग कर रहे हैं अब एस आई के निकाल लेते हैं अब हम लोग इसको थोड़ा देखिए असाइड कर लेंगे इसको में हम आ जाएंगे एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है ओके ये आप सबको पता है ओके ये सबको पता होगा ठीक है अब एक्स 48 ठीक है बाय 100 ये हम लोग आ जाएगा 32x/100 अब हम लोग क्या करेंगे इधर वापस आएंगे अब इधर कैसा ही निकालेंगे हम लोग p इंटू आर इंटू टी बाय 100 ठीक है इसमें भी क्या होगा इसमें होगा 3000 - x (19)(2)/100 ये हम लोग का हो जाएगा ठीक है ये हम लोग का जो 54000
माइनस 18x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नीचे 100 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। सो सॉरी, मैंने 19 कर दिया, यहाँ पे होता है ऐसे 9, ठीक है, 9 होगा ये, 18 मैंने यहाँ पे, सॉरी 19 गलती से गया, ये 9 होता, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ऐसा ही ऑन फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू ऐसा ही ऑन सेकेंड पार्ट, ओके, 32x बाय 100, इधर क्या था 54,000 माइनस 18x बाय 100, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग जस्ट सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 100 इधर ले आएंगे, ओके, 32x, ओके, माइनस 18 है तो 32x, ठीक है, 100 सिंपली कैंसिल हो जाएगा दोनों, बिकॉज ये इधर मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, 32x प्लस 18x इज इक्वल टू 54,000 कर लेंगे, ओके। इसको ऐड करेंगे हम लोग, आंसर आएगा 50x, और 54,000 हम लोग का इधर ही रहने वाला है, x इधर लाएंगे 54,000 ऐसे करेंगे, 50 ऐसे करेंगे, 100 कैंसिल, ठीक है, तो ये 1080 हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट हम लोग का होगा x इक्वल टू 1080, सेकेंड पार्ट का होगा 3000 माइनस x था, तो ये 3000 माइनस 1080 होगा, और इसका आंसर आएगा 1920। सो ये आंसर था, सो ये पूरा प्रोसेस था, सी ये पूरा, एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज़ूम कर, ठीक है, ठीक, और यहाँ पे वापस आ जाए, बस सेटल्ड, इसको पेज हम लोग अपना नया खोल लेते हैं फॉर द न्यू फ्रेश क्वेश्चन। अब देखो, इसके पहले वाला क्वेश्चन था, अ सम ऑफ मनी लेंट एट ए सिंपल इंटरेस्ट इतना, ठीक है, इन टू इयर्स एंड टू एंड 27 इन टू इयर्स, फाइंड द 7-8% पर एनम। इस वाले क्वेश्चन का भी एग्जांपल होगा हम लोग के पास, ये देखो, ये रहा एग्जांपल नंबर 11। अब यहाँ पे वही सेम चीज है, कहाँ है 23, सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट 4754 इन 3 इयर्स एंड टू 575 इन 5 इयर्स, फाइंड द 7-8% एनम। सेम 22 एंड 23 सेम है, लेकिन एग्जाम्पल अलग है, तो हम लोग इसका पहले एग्जाम्पल सेम खोजते हैं। सो ये रहा हमारा सेम एग्जाम्पल यहाँ पे है, ठीक है। सो इसका मेरे पास कोई एक्स्ट्रा वही प्रोसेस है जो मैं यहाँ बुक में है, इसी प्रोसेस मैंने भी किया था सॉल्व, और लेट मी सी इफ आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ अनदर प्रोसेस, नो आई एम नॉट सॉल्व फॉर द सेम प्रोसेस। तो मैं इसी में आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था, जो टू ईयर्स का अमाउंट है वो हम लोगों ने 5 ईयर्स लिखा पहले, अमाउंट ऑफ 5 ईयर्स, जो हम लोग को पहले बिगर डिजिट होता है, जैसे 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स का पहले लिखेंगे हम लोग, फिर 2 ईयर्स का लिखेंगे, ठीक है, दोनों का अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो हम लोग जस्ट यहाँ प्रिंसिपल प्लस एसआई मैं एक बार करता हूँ, एक बार मैं री सॉल्व करता हूँ आप लोग के लिए, सो आप लोग को आसानी हो जाएगी थोड़ा समझने में, और क्वेश्चन वही रहेगा जो बुक में दिया हुआ है, ओके, क्वेश्चन में चेंज नहीं रहेगा, क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। नाउ amount of money, sum of money lent at simple interest amounts to 3024 in 2 years and 4160 in 5 years, find the sum and rate of interest। चलिए amount of 5 years निकाल लेते हैं, I think you perfectly visible हो, amount of 5 years principal plus SI of 2 years, principal plus SI of, ठीक है, SI of 2 years, जो कि हमारा आ रहा है 4160। अब अमाउंट ऑफ 2 years ये होगा आप लोग का प्रिंसिपल प्लस, सॉरी यहाँ पे 5 होता है, मैंने गलती से लिख दिया था, एसआई ऑफ, सॉरी 2 years, दिमाग कंफ्यूज हो गया, 3224, ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसके बाद क्या करेंगे हम लोग,
ठीक है, हम लोग फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स ऑन सब्ट्रैक्टिंग, मतलब इन दोनों को हम लोग 5 - 2 कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा 3 ईयर्स। तो एस आई फॉर 3 ईयर्स हम निकाल लेते हैं, तो 3 - 2 इन लोग हम वो भी कर लेते 4160 - 3224, हम लोग का आंसर 936। ये 3 ईयर्स का 936 आ रहा है, तो सिंपली हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं 2 ईयर्स का एसआई। तो एसआई ऑफ 2 ईयर्स, अब हम लोग क्या करेंगे 936/3, ये आ जाएगा 1 ईयर का, अब इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है। ये करने से हम लोग आएगा 624 आंसर। अब वो कैसे आएगा मैं बता दूँ, ठीक है। 3 1 3 3 3 9 3 1 3 1 2 and 2 2 6 24। अब हम लोग यहाँ पे 3 ईयर्स का अमाउंट ऐसा ही निकला, 5 - 2 3 ईयर्स होते हैं। अब ये 3 ईयर्स 5 - 2 जब ये दोनों माइनस हो रहा है तो ये दोनों माइनस होगा, तब जाके इसका ये आएगा। जब इसका ऐसा ही निकल गया तो ऐसा ये 2 ईयर्स बाय 936/3, मतलब 1 ईयर का होगा। तो 1 ईयर इंटू 2 करेंगे तो मतलब 2 ईयर्स का निकल गया। अब वही हम लोग सिंपली एसआई ऑफ 5 ईयर्स निकाल लेंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो दिया हुआ सम ऑफ मनी लेंट एट इतना एंड इतना इन 5 ईयर्स, फाइंड द सम ऑफ रिटर्न ऑफ परसेंट। हम लोग जब लेकिन अब 2 ईयर्स को स्टार्ट करेंगे, 2 ईयर्स पहले कर लेंगे, तो हम लोग अब सम निकाल लेते हैं इसका। अब सम में क्या होगा, अमाउंट माइनस एसआई ऑफ 2 ईयर्स, तो अमाउंट 2 ईयर्स का कितना है आ गया, अमाउंट हम लोग का 324 और एसआई हम लोग का है 624। अब कर लेते हैं 3224 - 624, अब ये आ जाएगा हम लोग का 2600 आंसर, ठीक है। ये भी निकल गया। अब प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल सब निकल कर प्रिंसिपल भी निकल ही जाएगा। तो प्रिंसिपल कैसे निकलता है आप लोग को पता ही है, वो और लंबा प्रोसेस है, यहाँ से आप लोग सब जानते हैं कैसे कैसे निकलेगा प्रिंसिपल, रेट, परसेंट, सब सम और प्रिंसिपल लिखे होता है। तो प्रिंसिपल निकल चुका है एक्चुअली। सो अब टाइम ईयर सब ऐसे ही निकलेगा, 5 ईयर्स का भी रिपीट होगा ये सेम प्रोसेस, या फिर ठीक है निकालना निकालिए वरना नहीं। ओके, यहाँ पे 5 ईयर्स का निकालने की मेरे सबसे कोई जरूरत नहीं पड़ती, सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 2 ईयर्स का निकाल कर लोग रख सकते हो। सो इसके बाद आगे सब आपको प्रोसेस पता है तो आप लोग और नॉर्मली कर सकते हो, और एक बार बुक से भी आंसर आप लोग मिला सकते हो, ठीक है। ये भी हो गया। अब बचा 8, अब ये है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल डबल इटसेल्फ इन 8 या 4 मंथ्स इन हाउ मच इट विल ट्रिपल इटसेल्फ। ये बचा और ये बचा, और आई थिंक ऑलरेडी वीडियो 11 मिनट 12 मिनट्स की बन चुकी है, तो इस वीडियो के लिए इतने रहने देते हैं, इसको मैं और किसी वीडियो में बता दूंगा। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट वीडियो, तो हैव अ नाइस डे गाइस। और ये पार्ट हम लोग का सेकेंड डे ही खत्म हो रहा है 251 में। हैव अ नाइस डे गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।